हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने सक्सेस मंत्रा मैथ क्लासेज में। दोस्तों आज है 1 जनवरी, तो सभी दोस्तों को सक्सेस मंत्रा मैथ क्लासेज की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। सभी लोग मेहनत करते रहें, सभी स्टूडेंट पढ़ते रहें, जो भी उनका गोल है उसको सेट करें और सोचें कि इस वर्ष हमें अपने गोल को अचीव करना है। अगर उस पर वर्क करेंगे तो ज़रूर ही ईश्वर आपकी सहायता करेगा और आप अपने गोल अचीव करने में सक्सेस होंगे। दोस्तों आज इसी नए साल पर हम आपके लिए एक लेके आए बहुत ही अच्छी न्यूज़। एक न्यूज़ निकल के आई है जिसमें जैसे जो भी हमारे मित्र यदि किसी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें यदि हुआ है यूपी पुलिस फोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन न्यूज आई है इस साल की शुरुआत में ही। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने जुलाई से सुनते चले आ रहे हैं कि पुलिस की एक वैकेंसी आनी है, और दोस्तों यह बिल्कुल तय है वैकेंसी आनी है। एक वैकेंसी तो ज़रूर ही आनी है क्योंकि अभी पद रिक्त पड़े हैं। तो ये जो वैकेंसी आनी है वो कितने पदों पर आनी है वो भी हम आपको भी बताएंगे, और कब आनी है ये भी बताएंगे। दोस्तों ये जो पहले वैकेंसी आनी थी और अब जो आएगी वैकेंसी, क्योंकि अभी तक जुलाई से चर्चा चल रही थी वैकेंसी आने की, लेकिन अभी तक अब उसकी कोई चर्चा नहीं चल रही है कब आनी है कब नहीं आनी है। तो अभी जागरण में के द्वारा एक न्यूज़ निकल के आई है जो हम आपको दिखाने वाले हैं, और अच्छी बात यह है कि जो पद थे वो पहले से बढ़कर आ रहे हैं। जो PSC के पद भी अब जोड़ दिए गए हैं, पहले जो पद निकल रहे थे वो सिविल पुलिस और अग्निशमन के निकल रहे थे, लेकिन अब उसमें 8,500 पद PSC के जोड़ दिए गए हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं वो पूरी न्यूज़ को, क्या है वो न्यूज़। अब 35,757 पदों पर भर्ती करेगा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड। दोस्तों जो भर्ती निकालता है वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ही निकालता है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती की सूचना जुलाई में दी गई थी। इस भर्ती को आयोजित कराने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन की टेंडर प्रक्रिया जुलाई में ही शुरू हो गई थी, लेकिन 5 माह बीत जाने के बाद भी इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। यहाँ तक कि भर्ती परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का भी चयन नहीं किया गया है। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि इस भर्ती के लिए जो कार्यदायी संस्था जो कार्य करती है उसका भी अभी चयन नहीं हुआ है। आगे वहीं अब कांस्टेबल और फायरमैन के पदों पर इजाफा कर दिया गया है। दोस्तों पदों की संख्या बढ़ा दी गई है, जैसा कि मैंने बताया है। अब नागरिक पुलिस कांस्टेबल के 26,210 के अलावा PSC कांस्टेबल के 8,500 पद और जोड़ दिए गए, यानी अब कांस्टेबल के करीब 34,700 पद हो गए। इसके अलावा अग्निशमन विभाग में फायरमैन के पहले 172 पद थे जो जुलाई में निकलनी थी, अब इसे बढ़ाकर 1,057 कर दिया गया है, यानी फायरमैन के 885 पद और जोड़ दिए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अब कांस्टेबल और फायरमैन के 35,757 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन एक साथ जारी करेगा। इन सबकी वैकेंसी जब भी आएगी दोस्तों एक साथ आएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जनवरी या फरवरी 2023 में जारी हो सकता है। कार्यदायी संस्था का चयन होने के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इसलिए देखिए, PSC के पद भी आएंगे, अग्निशमन के भी आएंगे और सिविल पुलिस के आवेदन। सिविल पुलिस मतलब जो नागरिक पुलिस होती है जो थाने में होती है, तो तीनों पद एक साथ आने वाले हैं। दोस्तों जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि वैकेंसी आएगी ज़रूर, और जब भी आएगी वो मौका छोड़ना नहीं है, उसका पूरा फ़ायदा लेना है और अपनी तैयारी करते रहना है। बाकी की अगर कोई न्यूज़ निकल के आती है तो हम आप लोग की न्यूज़ देते रहेंगे। बाकी दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद।